गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर यूटी टू चैप्टर. देर आर थ्री चैप्टर इन आवर यूटी टू सिलेबस, चैप्टर नंबर 8, 9 and 10. टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 8. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 भी एक्सप्लेन करूँगी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल कैसे बनती है, व्हाट द सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या होता है, लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की लेयर्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल और इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल और हमारी क्रॉप्स यानी कि फसलें. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पिक अप सॉइल फ्रॉम अ गार्डन, कीप इट ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एग्जामिन इट्स कलर, फील इट विद योर फिंगर्स. कुछ सॉइल लीजिए, कुछ मिट्टी लीजिए अपने गार्डन से, उसको वाइट पेपर पर रखिए, उसके बाद उसका कलर देखिए कि उस सॉइल का, उस मिट्टी का कलर कैसा है और उसको फिंगर से टच करके फील करिए कि उसका मटेरियल कैसा है, सॉइल सॉलिड लिक्विड या किस टाइप में वो मौजूद है. डज इट फील स्मूथ ऑफ रफ, कैसा लगता है आपको, स्मूथ लगता है या रफ लगता है, मुलायम है या वो कठोर है, कैसी है. सेपरेट आउट द डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस, उसके बाद उसमें जितने भी थिंग्स हैं हमें उसको अलग करना है. जैसे उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना, एनिमल्स हो सकते हैं छोटे छोटे, कुछ स्मॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं हमारी सॉइल में. फिर उनको एग्जामिन करिए द पार्टिकल ऑफ सॉइल अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उनको उसके पार्टिकल्स को हमें एग्जामिन करना है. कैन यू सी देम क्लियरली, आर दे टू स्मॉल टू बी सेपरेटली सीन. लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें कुछ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जो क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं. पिकअप सॉइल फ्रॉम अदर प्लेस, अब कुछ अभी आपने ग्राउंड से सॉइल ली थी, अब आपको क्या करना है, कुछ अदर प्लेस से, जैसे प्ले ग्राउंड है, सी शोर है या शोर ऑफ रिवर है, इन सब जगह से मिट्टी को कलेक्ट करना है और उनको एग्जामिन करना है कि क्या सब जगह की मिट्टी एक जैसी है. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थी. अब आते हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन पे. सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है यानी कि सॉइल बनती कैसे है. लॉन्ग एगो द लैंड वॉज मोस्टली सॉलिड रॉक. कुछ समय पहले क्या होता था, जो हमारी लैंड थी, हमारी ज़मीन थी, अर्थ, उस पर सिर्फ रॉक्स हुआ करती थी, चट्टानें हुआ करती थी. इन चट्टानों पर वेदरिंग कंडीशंस जब अप्लाई होती थी, जैसे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट जब आती है, ये लिखा है देखिए, सनलाइट जब आती थी तो बहुत तेज़ सनलाइट से क्या होता था, इन रॉक्स में, इन चट्टानों में दरारें पड़ जाती थी. फिर रेन होती थी, बारिश होती थी, उस बारिश का पानी इन दरारों में भर जाता था. कभी कभी बारिश इतनी तेज़ होती थी कि जो हमारी पानी होता था उसको रॉक के अंदर बैठने में या उसको सेट होने में जगह नहीं मिल पाती थी और ये दरारें भर नहीं पाती थी. इसकी वजह से क्या हुआ, जो चट्टानें हुई, जो हमारी रॉक्स हुई, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती गई, टूटती गई, ठीक है. और यही स्मॉल रॉक्स जो हमारी थी, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, यही क्या बन गई, सॉइल बन गई. तो मेनली सॉइल क्या होती है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक. यहाँ पे लिखा है दीज पीसेज फर्दर ब्रोक डाउन टू फॉर्म टिनी ग्रेन्स ऑफ सॉइल, और यही क्या हो गई, सॉइल में कन्वर्ट हो गई. अब आता है नेक्स्ट सॉइल, व्हाट सॉइल कंटेन्स, सॉइल में होता क्या क्या है. टिनी बिट्स ऑफ रॉक ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉइल, रोटेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स कॉल ह्यूमस. जो रोटेड प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं हमारी सॉइल में, उसको ह्यूमस कहा जाता है, जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और बहुत जो कि बहुत अच्छी है हमारी ग्रोइंग प्लांट्स यानी कि प्लांट्स उगाने के लिए. और ये हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन भी देते हैं. इट इज़ डार्क, जो हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं. और ये कैसे कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती हैं. नॉर्मली द डार्कर द सॉइल द मोर ह्यूमस इज कंटेन, यानी कि जितने डार्क सॉइल होगी उतना ही उसमें ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है. वाटर इज ट्रैप्ड इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है, जिसे पोर स्पेस कहा जाता है, उनमें हमारा जो वाटर है वो कंजर्व रहता है, ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए. एयर इज ऑल्सो ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, और ये हमारे प्लांट्स के लिए अपनी एयर भी कंजर्व करके रखती है, जो हमारी प्लांट्स को हेल्प करती है.
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप्स की होती है? सॉइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेस आर डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो सॉइल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। दिस इज बिकॉज दे आर मेड ऑफ काइंड ऑफ रॉक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स से बनी होती है। रॉक्स में भी हमारी मिनरल्स होते हैं। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें एक मिनरल्स होता है और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें मोर देन वन मिनरल होता है। तो उनके ही कलर इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि उन पर कितने मिनरल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी सैंडी सॉइल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्लेई और लोमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल क्या होती है। सैंड यानी कि रेत। ठीक है, तो सैंडी इज रेतीली मिट्टी। सैंडी सॉइल इज रफ एंड येलो इन कलर। सैंडी सॉइल कैसी होती है? रफ होती है और कलर में येलो होती है। द सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज एंड इंडिविजुअली पार्टिकल्स कैन ईजिली बी सीन। सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और इंडिविजुअल यानी अलग अलग हम उन्हें देख सकते हैं। मोस्टली ये सी शोर्स में या डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। वाटर क्विकली फ्लो आउट थ्रो द स्पेस बिटवीन द बिट्स ऑफ सैंड। जो वाटर होता है वो इनसे बहुत इन सैंड को या सैंडी सॉइल के बीच में बहुत ईजिली फ्लो करता है। सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो होल्ड नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते। क्योंकि जब ये प्लांट्स के लिए वाटर ही नहीं कंजर्व कर पाएंगी तो फिर हमारे जो प्लांट्स हैं वो इनमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल कैसी होती है? क्लेई सॉइल ग्रे होती है कलर में और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से और बनी होती है और ये फील कर रहे हैं अगर आप इसे तो ये बहुत स्मूथ होती है। इसके जो पोर स्पेसेस होते हैं, पोर स्पेसेस जो क्या होते हैं जिनमें वाटर ये अपने अपने स्पेसेस के बीच में रखती है वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इनमें इजीली वाटर जो है वो फ्लो नहीं कर पाता है। इट होल्ड्स अ लॉट्स ऑफ वाटर एंड रिमेन वेट एंड स्टिकी। ये कभी कभी बहुत चिपचिपी और गीली रहती है अगर इसे गीला कर दिया जाए तो, और इसमें एयर भी नहीं होती है इसके पार्टिकल्स में। क्ले सॉइल का यूज़ हम प्लांट्स के लिए नहीं करते हैं। क्ले सॉइल का यूज़ हम मोस्टली पॉट्स बनाने में या टॉयज बनाने में करते हैं। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कैसी होती है? हमारी कलर में ब्राउन होती है। ठीक, ये मिक्सचर होती है किसका? सैंड और क्ले का। इसमें कुछ स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। इट्स पार्टिकल स्मॉलर देन सैंडी सॉइल। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो सैंडी सॉइल से स्मॉल होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। बहुत ज़्यादा ये ह्यूमस कंटेन करके रखती है और इसको बेस्ट कहते सॉइल माना जाता है फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। किसे? लोमी सॉइल को। लोमी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट, गार्डन एंड पार्क्स। कहाँ पाई जाती है? मोस्टली फॉरेस्ट में, गार्डन्स में या पार्क्स में। These porous spaces in loamy, the porous spaces in loamy soil are smaller than sandy. इसके जो pore spaces होते हैं जिसमें ये water contain करके रखती है वो small होते हैं, बहुत छोटे होते हैं comparatively to sandy soil। और ये allow करती है water को और कि water इसमें अच्छे से conserve हो पाए और ये अच्छे से water को hold करके भी रखती है, जिससे कि हमारे जो plants हैं उनको grow करने में ये अच्छे से help कर पाती है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अब सॉइल की इम्पॉर्टेंस क्या है? क्यों चाहिए हमें सॉइल? ठीक है, मोस्टली जो सॉइल होती है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होती है। भाई जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें हैं, हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो भी चीज़ें खा रहे हैं ऐसी, वो क्या होती हैं? सब जो सॉइल में ही ग्रो करती हैं। ठीक है, सारी जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स सॉइल से ही मिलता है और अच्छे से ग्रो कर पाती है। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल डिपेंड ऑन द फूड। हम और जो अदर एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फूड पर। ठीक है, और फूड हमें वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। और प्लांट्स किस में ग्रो करेंगे? सॉइल में। ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि आंट हैं, एनिमल्स जैसे कि आंट हैं या अर्थवॉर्म्स हैं, जिनका होम है क्या? सॉइल। वो सॉइल में रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ इन आवर होम कम्स फ्रॉम सॉइल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉइल से बनी होती हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। वी डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मेटल, क्लोथ, पेट्रोल, फर्नीचर एंड अ नंबर ऑफ अदर थिंग अराउंड। बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और जिनके लिए हमें सॉइल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है क्रॉप्स एंड सॉइल, यानी कि फसलें और सॉइल। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की ज़रूरत होती है। सम नीड्स सैंडी सॉइल, अदर नीड क्ले सॉइल। मोस्ट प्लांट ग्रो वेल इन लोम।
कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें सैंडी सॉइल की जरूरत होती है, कुछ को क्ले, लेकिन जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं हमारे लोम में। ऑल प्लांट्स ग्रो वेल इफ मैन्यूर एडेड टू द सॉइल। बहुत अच्छे से प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगे कब, जब हमने मैन्यूर ऐड करेंगे। मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर ऐसे सॉलिड वेस्ट्स होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं या हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाते हैं। मैन्यूर कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस विच मेक द सॉइल फर्टाइल। मैन्यूर में बहुत सारा ह्यूमस होता है, बहुत सारी क्वांटिटी में, जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। मैन्यूर यानी कि खाद जो हमारी सॉइल है उसको फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारे जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। अ क्रॉप प्लांट इज एन कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल कमर्शियली। क्रॉप प्लांट्स का मतलब या क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर हमें प्लांटिंग करनी है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे कि ये, और ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कुछ मेडिसन्स होती हैं या कुछ ऐसे मैन्योर्स होते हैं जो हमारी सॉइल को अच्छा बनाते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से उनको प्लांट्स को हेल्प कर पाए ग्रो करने में। रिच ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल, शुगर केन ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, जैसे कि राइस, बाजरा, सैंडी सॉइल, शुगर केन, गन्ना, लोमी सॉइल। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर मेक्स द सॉइल रिच एंड फर्टाइल, रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर क्रॉप यील्ड। यही बताया है उन्होंने कि जो फर्टिलाइजर हैं, जो मैन्योर हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करती हैं।